अक्सर अपनी कविताओं के जरिए व्यवस्था और सियासत को आईना दिखाने वाले राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन यानी सत्तन गुरु ने एक बार फिर अपनी कलम कांग्रेस के खिलाफ चलाई है, जहां उन्होंने अपनी कविता के जरिए कांग्रेस और कांग्रेसियों पर जमकर तंज कसते हुए निशाना साधा। देखिए यह खास रिपोर्ट। सियासत के मौजूदा हालातों पर फिर चली सत्तन गुरु की कलम। सत्तन गुरु ने कविता के जरिए किया सियासत पर कटाक्ष। कविता के जरिए सत्तन गुरु ने साधा कांग्रेस पर निशाना। सत्तन गुरु ने कोरोना में कांग्रेस की सक्रियता पर कसा तंज। अपने बेबाक बयानों और कमाल की कविताओं के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय कवि सत्तन गुरु ने एक बार फिर कलम हाथों में लेकर सियासत पर कटाक्ष किया है, जहां सत्तन गुरु ने कोरोना महामारी में कांग्रेस की सियासत और सक्रियता पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ लिखा है। प्रिय श्रोताओं और पाठकों, आपसे एक कविता साझा कर रहा हूं। शीर्षक के गूंगे भी वाचाल हो गए, समय को देखते हुए, उसकी गति को देखते हुए और वर्तमान की इस त्रासदी को देखते हुए जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उसका एक चित्र आपके सामने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं सत्तन गुरु की वो कविता जिसमें उन्होंने महामारी के दौर में सियासत की वास्तविकता को सभी के सामने रखा। कविता आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कांग्रेस की बीमारी हो गई ठीक कोरोना से, कांग्रेस की बीमारी हो गई ठीक कोरोना से, गूंगे भी वाचाल हो गए समय के जादू टोना से, गूंगे भी वाचाल हो गए समय के जादू टोना से, बीमारी की दवा समझकर इनके नेता चाट रहे, बीमारी की दवा समझकर इनके नेता चाट रहे, ऐसा लगा सभी अपराधी आज पुलिस को डांट रहे, इंदिरा जी का शासन था तो इनके ठाटम ठाट रहे, निरपराध भाजपा ही तब होते बारह बांट रहे, नए भगीरथ गंगा लाए, नए भगीरथ, ये नए भगीरथ गंगा लाए खाली पड़े भगोना से, ये नए भगीरथ गंगा लाए खाली पड़े भगवना से, गूंगे भी वाचाल हो गए समय के जादू टोना से, फुटकर व्यापारी का ये सामान बचाने आए हैं, फुटकर व्यापारी का ये सामान बचाने आए हैं, नगर निगम की कुर्सी भैया जी हत्याने आए हैं, इनके प्रति जो जना क्रोश है उसे मिटाने आए हैं, मोदी के आसन पर पपलू को बैठाने आए हैं, पीतल की कीमत को भैया तोलते हैं ये सोना से, पीतल की कीमत को भैया तोलते हैं ये सोना से, गूंगे भी वाचाल हो गए एक समय के जादू टोना से, फुटकर व्यापारी का ये सामान बचाने आए हैं, नगर निगम की कुर्सी भैया जी हत्याने आए हैं, इनके प्रति जो जनाक्रोश है उसे मिटाने आए हैं, मोदी के आसन पर पपलू को बैठाने आए हैं, पीतल की कीमत को भैया लगाते हैं ये सोना से, गूंगे भी वाचाल हो गए समय के जादू टोना से, सेवा का दिखलावा करते खेल सियासी खेल रहे, बरसी बरसों से सत्ता की महत्ता पाने का दुख झेल रहे, सेवा का दिखलावा करके खेल सियासी खेल रहे, बरसी बरसों से सत्ता की महत्ता पाने का दुख झेल रहे, सेवा का दिखलावा करके खेल सियासी खेल रहे, बरसों से सत्ता की महत्ता पाने का दुख झेल रहे, चरम क्यों कर रहा संगठन का वो ठेला ठेल रहे, कुछ भाजप में आए हैं कुछ करते रेलम पेल रहे, अपनी विजय समझ बैठे ये चौकीदार के रोना से, अपनी विजय समझ बैठे ये चौकीदार के रोना से, गूंगे भी वाचाल हो गए समय के जादू टोना से, गूंगे भी वाचाल हो गए समय के जादू टोना से। ये कविता आपको सादर समर्पित। तो सुना आपने कैसे सत्तन गुरु ने बातों ही बातों में अपनी कविता के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध दिया। वैसे सत्तन गुरु उन कवियों में से एक हैं जो समय आने पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनी पार्टी पर भी निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।